क्या हो अगर मैं आपसे कहूँ कि किसी दूसरे यूनिवर्स यानी ब्रह्मांड में आप ही की तरह कोई रहता हो? चौंक गए ना आप भी। इसे ही तो पैरेलल यूनिवर्स कहा जाता है। दोस्तों, पैरेलल यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट हमेशा से साइंस फिक्शन जैसा रहा है, लेकिन ये सच भी हो सकता है। इस थ्योरी को साबित करने के लिए एस्ट्रोनॉमर्स और साइंटिस्ट एक साथ काम कर दूसरे ब्रह्मांड तक जाने का रास्ता खोल रहे हैं। ऐसे में ये बात हमें हैरान कर ये सोचने पर मजबूर करती है कि क्या कहीं और भी हमारी तरह ब्रह्मांड हो सकता है। क्या कोई ऐसा पोर्टल यानी दरवाजा है जो हमें अलग मल्टीवर्सेस में सफर करने के लिए बनाया गया हो? स्वागत है आपका विज्ञान 360 में। दोस्तों, हमारे ब्रह्मांड की शुरुआत बिग बैंग के साथ हुई, एक ऐसी थ्योरी जो 1931 में पहली बार कॉन्सेप्चुलाइज्ड हुई थी और जिसे भारी पैमाने पर एक्सेप्ट भी किया गया है। और इसे सपोर्ट करने के लिए जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने भी कई सबूतों की खोज की। हमारा यूनिवर्स विस्तारित है, जिसका डायमीटर 93 बिलियन प्रकाश वर्ष है और जो 2 ट्रिलियन गैलेक्सीज का घर है। इतने विस्तार के बावजूद मिले सबूत ये बताते हैं कि ये हमारी सोच से ज्यादा, बहुत ज्यादा बड़ा हो सकता है। ऐसे में एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल एलियन लाइफ के होने की संभावना बहुत बढ़ जाती है। स्ट्रिंग थ्योरी के मुताबिक पैरेलल यूनिवर्सेस या मल्टीवर्सेस बुलबुले की तरह हमारे ब्रह्मांड के पास मौजूद है। तो क्या वाकई में पैरेलल यूनिवर्स मौजूद है? कुछ लोगों का मानना है कि पैरेलल यूनिवर्स एक अलग ही ब्रह्मांड या ऐसी दुनिया है जो हमारे ब्रह्मांड के साथ को एग्जिस्ट करती है, लेकिन जो इससे काफी अलग भी है। लेकिन वाकई में ऐसा है तो ये यूनिवर्सेस हमसे अलग है, जो किसी भी डायरेक्ट मेजरमेंट द्वारा अब तक अनरीचेबल और अनडिटेक्टेबल है। और यही एक मुख्य वजह है कि कुछ साइंटिस्ट मल्टीवर्स की खोज के ट्रूली साइंटिफिक होने पर सवाल उठाते हैं। टेलीविजन शो, फिल्म और बुक्स ने मल्टीवर्स के कॉन्सेप्ट को एक्सप्लोर करने का काम किया। फेमस एनिमेटेड टीवी शो रिक एंड मॉर्टी नाम मात्र के नायकों के कारनामों के इर्द गिर्द घूमता है, जो दूसरे ग्रहों और पैरेलल यूनिवर्सेस में कई बहादुरी वाले कारनामे कर जाते हैं। साइंस फिक्शन को पसंद करने वालों के मुताबिक आमतौर पर स्वीकृत 3 डायमेंशन से परे एडिशनल डायमेंशन भी मौजूद है। और इसीलिए यदि अटकलों पर विश्वास किया जाए तो पैरेलल यूनिवर्सेस भूतों की घटना और कई असाधारण घटनाओं के लिए एक ऐसा एक्सप्लेनेशन है जिन्हें एक्सपर्ट द्वारा अभी तक समझा नहीं जा सका है। तो अगर हाँ, वाकई ऐसा है, तो ऐसी संभावना है कि आपका पूरा जीवन आपके पैरेलल, आपके द्वारा चुने गए विकल्पों के बेस पर किसी दूसरे ब्रह्मांड में पूरी तरह से अलग तरीके से रिप्ले किया जा रहा हो। खैर, कम से कम अटकलें तो ऐसी ही है। क्या आपने कभी सोचा है कि पैरेलल यूनिवर्सेस कैसा दिखेगा? खैर, ये आकाश में उड़ते पंछियों, पानी में तैरती मछलियों के साथ बिल्कुल हमारे जैसा ही दिख सकता है, लेकिन हाँ, उन्हें अलग तरीके से बनाया जा सकता था। मेरा मतलब है कि वे हमारी पृथ्वी पर मौजूद कोशिकाओं से अलग किसी कोशिकाओं से बने हो सकते हैं। हालांकि हम नहीं जानते कि मल्टीवर्स सच में मौजूद है भी या नहीं, लेकिन वैज्ञानिक ये साबित करने में लगे हुए हैं कि वे हकीकत में है। इसके लिए वे कुछ ऐसे इक्विपमेंट लगा रहे हैं जो आईने की इस दुनिया के अस्तित्व को सच साबित कर सकते हैं। सोचे कितना अच्छा होगा जब आपकी मुलाकात एक पैरेलल यूनिवर्स में मौजूद आपके दूसरे वर्जन से हो। तो क्या अलग मल्टीवर्स का सफर करना मुश्किल है? खैर, थियोरेटिकली आप ऐसा कर सकते हैं। स्टीफन हॉकिंग के मुताबिक दूसरे ब्रह्मांड का सफर करने के लिए आपको ब्लैक होल में कूदना होगा, और इसके लिए आप स्पेसक्राफ्ट की मदद लेकर वर्म होल के माध्यम से सफर कर सकते हैं, जो मूल रूप से 2 ब्रह्मांडों के बीच एक शॉर्टकट है। लेकिन क्या आप जानते हैं वर्म होल आखिर है क्या? अब इसे समझने के लिए आप स्पेस टाइम को एक शीट मानकर चलिए, जिसके हर कोने पर एक होल है। अब पॉइंट ए से पॉइंट बी तक सफर करने के बजाय आप पेपर को बैंड कर सकते हैं, जिससे दोनों पॉइंट के बीच में एक टनल जैसा बन जाएगा। दूसरे शब्दों में, कम वक्त में एक यूनिवर्स से दूसरे यूनिवर्स में जाने के लिए वर्म होल एक बड़े शॉर्टकट की तरह काम करता है।
कुछ वैज्ञानिक मल्टीपल यूनिवर्सेस के एक फ्लैटर वर्जन में भी यकीन करते हैं। उनके मुताबिक अगर ब्रह्मांड अनंत है तो ऐसे सीमित तरीके हैं जिनसे मैटर के बिल्डिंग ब्लॉक्स खुद को अनंत अंतरिक्ष में अरेंज कर सकते हैं। इसीलिए किसी भी सीमित संख्या में पार्टिकल टाइप्स को एक खास तरह के अरेंजमेंट को रिपीट करना होगा। विशाल अंतरिक्ष में पार्टिकल्स यानी अणुओं को रिपीटेटिव अरेंजमेंट में सही तरीके से अरेंज किया जाना चाहिए, संभवतः पूरे सौरमंडल और गैलेक्सीज जितने बड़े आकार में। हालांकि पुख्ता सबूत मिलने में कुछ साल या शायद उससे भी ज्यादा वक्त लग सकता है, क्योंकि एक्सपर्ट्स पैरेलल यूनिवर्सेस के अस्तित्व के बारे में अपनी बहस जारी रखे हुए हैं। लेकिन क्या आपको लगता है कि वास्तव में पैरेलल यूनिवर्सेस है? अपनी राय कमेंट कर हमें जरूर बताएं। विज्ञान से जुड़ी ऐसी ही इंटरेस्टिंग खबरों को जानने के लिए हमारे चैनल विज्ञान 360 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें।